वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों से कुछ फॉर्मल बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज है 15 अप्रैल और आज हम लोगों के कंबाइंड फाउंडेशन ट्रेनिंग का लास्ट डेट है और फिर कल से कुछ दिनों का जो है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग भी चलेगा। तो आज एक जो पहला बैच बना था कंबाइंड फाउंडेशन CFC फर्स्ट था, तो उसका आज लास्ट दिन है। कल आदरणीय श्री के पाठक DG बिपार्ड, उसके बाद डॉक्टर बी राजेंद्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD, उसके बाद आपको DM गया और जो कमिश्नर साहब थे मगध रेंज, उसके साथ बहुत सारा महकमा कलाया हुआ था बिबार्ट। उन लोगों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने अपने बहुत सारे थॉट भी शेयर किए। मसलन जो बिबार्ट है अगले आने वाले कुछ सालों में देश में सेकेंड स्थान हासिल कर लेगा। अभी इसका स्थान चौथा है, एक इससे ऊपर पहला है आपको मतलब कि मसूरी, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है। दूसरा पर नैनीताल है, तीसरा पर पुणे है, अभी चौथा स्थान है। लेकिन सर ने कहा है कि जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है तो 1 से 1.5 साल में ये 2 को पछाड़ देगा। और जो UPSC का लेवल है, यानी जहाँ पर मसूरी होता है, उसके लेवल में आने में इसको 5 साल, कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। और भी सारी बातें थी, सर ने बताया कि जो फैसिलिटी बिहार में खासकर जो नियुक्त IAS आते हैं उसको दिया जाता है ट्रेनिंग के लेवल पर, वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 67वीं में आने वाले हैं या फिर 68वीं में, 69वीं में, तो उनके लिए आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मसलन भारत दर्शन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से जब ये सेशन हम लोग का ख़त्म हो रहा है CFC, तो बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में तो लगा कि कहाँ कर फंस गए, सर ने भी यही चीज़ डिस्कस किया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है मोरल को, मोटिवेशन को काफ़ी हाई किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। सर के साथ और भी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और अच्छा लगा। मतलब कि जो प्रोटोकॉल है एक IAS के लिए या फिर एक BPS, मतलब कि बिहार के BPSC पास कराने वाले स्टूडेंट के लिए जो ऑफिसर बनेंगे बाद में ट्रेनिंग करने के बाद, तो उन सब के लिए जो भी चीज़ें थी काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग भी तैयारी जारी रखिए और इन्जॉय करते रहिए अपने पढ़ाई को, अपने लाइफ को।